हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। भारत के तेवर के सामने चीन किया सरेंडर, कहा दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। भारत में चीन के राजदूत सुन विडोंग ने भारत और चीन के रिश्तों को लेकर कहा कि हमें अभी अपने मतभेदों को दो देशों के बीच आपसी रिश्तों से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए और असहमतियों का समाधान बातचीत से करना चाहिए। सुन विडोंग ने कहा, चीन और भारत साथ मिलकर इस महामारी के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमारे लिए ये भी महत्वपूर्ण टास्क है कि हम अपने रिश्तों को मजबूत रखें। हमारे युवाओं को यह एहसास होना चाहिए कि दोनों देश चीन और भारत के बीच रिश्ते एक दूसरे के लिए नए अवसरों को खोलेंगे और हम एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। चीनी राजदूत ने कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए अवसर है। भारत और चीन दोनों ही मिलकर इस महामारी से लड़ सकते हैं। दोनों देशों के बीच जो मतभेद है उनका असर संबंधों पर नहीं पड़ना चाहिए। दोनों देशों को बातचीत के जरिए मतभेद को सुलझाना चाहिए। तनातानी के बीच देखिए अमेरिका का आया बड़ा बयान। लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी तनातानी के बीच अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि यदि भारत और चीन चाहे तो अमेरिका मध्यस्थता के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमने भारत और चीन दोनों को ही जानकारी दी है कि अमेरिका उनके बीच स्थित सीमा विवाद के निपटारे के लिए मध्यस्थ बनने का इच्छुक भी है और इसको निपटाने के लिए सक्षम भी है। भारत और चीन के बीच तनातानी पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा मध्यस्थता को तैयार। इसी बीच सीमा पर तनातानी के बीच भारतीय सेना के कमांडर का सम्मेलन बुधवार को नई दिल्ली में शुरू हो गया है, जहां सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के संबंध में गहन चर्चा की जाएगी। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ तनाव से पहले इस सम्मेलन की योजना बनाई गई थी। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बल के शीर्ष कमांडर बैठक में भाग ले रहे हैं। इस बैठक में लद्दाख में चीन के कारण उपजे हालाकि सहित सभी सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा होगी। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के लिए होता है, जिसमें शीर्ष स्तर के अधिकारी शामिल होते हैं। यह अप्रैल 2020 के लिए निर्धारित था, मगर इस महामारी के कारण स्थगित हो गया था। इसे अब दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का पहला चरण बुधवार को शुरू हुआ और 29 मई 2020 तक जारी रहेगा। इसके बाद दूसरा चरण जून 2020 के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा। भारतीय सेना का शीर्ष स्तर का नेतृत्व मौजूदा उभरती सुरक्षा और प्रशासनिक चुनौतियों पर विचार मंथन करेगा और भारतीय सेना के लिए भविष्य के पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाएगा। इसमें सेना कमांडरों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित कॉलेजिएट प्रणाली के माध्यम से निर्णय लिया जाता है। साउथ ब्लॉक में शुरू पहले चरण के सम्मेलन दौरान परिचालन और प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित विभिन्न पहलुओं, जिसमें रसद और मानव संसाधन से संबंधित अध्ययन शामिल है, पर चर्चा की जाएगी। इसमें चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ उभरती स्थिति भी शामिल है।